हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है अनिल अडिवारे जी, मिस्टर पबजी वाला। तू कैसे हो आप सब? तो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर वॉइस ओवर एंड आई एम गोइंग फॉर द प्लेइंग BGMI। और यहाँ पर मैं सबसे पहले उतरता हूँ सेवरनी में, और यहाँ पे उतरने के बाद देखते हैं, जैसे ही एक इस घर के ऊपर उतरने की कोशिश करता हूँ लेकिन वहाँ पर पहले से ही दो बंदे उतर जाते हैं। फिर भी मैं छत पर उतरने की लेकिन नीचे उतर जाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। नीचे उतरने के बाद सीधा गन उन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता हूँ, तब तक शॉर्ट गन मिलती है और एक पिस्तौल 9mm की। फिर भी उसी को लेकर ऊपर चढ़ता हूँ, सोचता हूँ शायद कुछ और मिल जाए लूट करने के बाद। लेकिन घूमते हुए फिर यहाँ पर मुझे एक गन और मिल जाती है, जिसको व्यक्ति सामने एक बंदा खड़ा होता है, उसे किल करने के बाद वो अभी नॉक ही था कि नॉक करने का, लेकिन फिर भी बच गया बंदा। सोचे छोड़ो जाने के आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे गए तो मुझे कुछ साउंड सुनाई दिए, तो मैं यहाँ पर दरवाजे के पास वेट करता हूँ थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन करके कि अब कोई बंदा आएगा देखते हैं क्या होता है। तो काफ़ी वेट करने के बाद दो बंदे नीचे कूदते हैं, मैं ड्रॉप करता हूँ, मैं उनको फायर करने के बाद भी मतलब बंदा काफ़ी लकी था जो बच गया। तो शॉटगन से इसको मारने के बाद मैं थोड़ा कुछ लूटपाट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मुझे फुट साउंड सुनाई देता है, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, शायद हो सकता है वो भी सीढ़ी से आए। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा इधर उधर टहल के देख लिया जाए, लेकिन वहाँ पर फिर से एक और बंदा आकर बैठा होता है जहाँ पर था, तो उसको भी मैं नॉक करता हूँ। और नॉक करने के बाद फिर से मैं उसी स्थान पर अपने यहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, एक बंदा सामने से दौड़ रहा होता है लेकिन कोई एंगल नहीं मिलता है उसे मारने का, तो फिर फुट साउंड दिखाई देता है सुनाई देता है, तो मैं चुपचाप फिर से जाकर अपना पोजीशन लेता हूँ कि शायद बंदा आए और उसे मैं किल कर दूँ। और शायद ऐसा ही होता है, मेरे 3 किल यहाँ पर हो गए थे और मैं वेट करता हूँ उसके आने का, क्योंकि शायद ऊपर ही आ रहा था, मुझे ऐसा ही लग रहा था। इसको आने के बाद इसको भी और इसको भी फिनिश करता हूँ। यहाँ पर मेरे टोटल 4 किल हो गए, और मैं फिर से वेट करता हूँ कि शायद कोई और बंदा आए और उसे मैं फिर से लगा दूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मुझे कुछ 80 AKM और वेक्टर 2 गन अच्छी हो गई थी, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई भी बंदा आए उसको तो तोड़ना ही है। आगे से कुछ लूटपाट करता हूँ, और लूटपाट करने के बाद मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ, फिर 100 फुट साउंड आता है। सारे बंदे मेरे पास ही आते हैं, लेकिन भाई साहब इधर एक बंदा था, तो इसको भी नॉक कर दिया हूँ मैं। काफ़ी देर से मतलब मेरी तरफ देख रहा था कि कभी ऊपर उठे और मैं इसको नॉक करूँ, लेकिन मैंने उसको उसके पहले नॉक कर दिया। और नीचे का एक बंदा काफ़ी देर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको भी मैं देखता हूँ क्या करता है। और एक बंदा बहुत काफ़ी चालाक निकल रहा, मतलब सोचा कि दरवाज़ा बंद कर दूंगा तो मुझे मतलब गोली नहीं पड़ेगी, लेकिन दरवाज़ा टूटा और दरवाजे के आसपास छेद कर दिया उसकी बॉडी को, और ये भी नॉक हो गया। इसके पास से भी अच्छी खासी लूट मिल जाती है, और M4 लूटा काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी, किल भी 6 हुआ था। तो अब सोचे कि शायद यहाँ पर कोई बंदा बचा होगा या फिर नहीं, शायद कोई नहीं लग रहा था, और सर्कल भी मतलब जोन भी बन रहा था, तो हम सोचे अब निकलना यहाँ से अच्छा रहेगा, तो यहाँ से निकलना शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सोचता हूँ कि रोड की तरफ जाकर देख लूँ कोई गाड़ी मिलेगी तो उससे पकड़ कर मतलब गाड़ी लेकर जाऊँगा तो अच्छा रहेगा जोन, क्योंकि दूर है। तो यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिलती है, और फिर मैं वापस रिटर्न करता हूँ और पैदल जाने की सोचता हूँ, कुछ लूटपाट करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ, तब तक कुछ फुट साउंड यहाँ पर सुनाई देते हैं करता हूँ, लेकिन इसको मारने के बाद जून काफ़ी पास आ गया था और क्रॉस कर गया था मुझसे, तो लूटपाट कर ली। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए था, तो यहाँ से निकलना शुरू करता हूँ। मेहनत करने के बाद मैं किसी तरह मतलब सर्कल पार कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आकर अपनी बाइक चेंज करता हूँ और एक जीप लेता हूँ, जीप मिल जाती है काफ़ी, तो सोचता हूँ अभी इससे अच्छा रहेगा। पहले सोचता हूँ कि ब्रिज से जाऊँगा, लेकिन फिर कुछ मन में हलचल सी होती है और सीधा मोमेंट मोड़ लेता हूँ गाड़ी, और आगे मोड़ने के बाद सीधा आगे जाता हूँ, तब तक देखता हूँ कि आगे कुछ हलचल हो रही है, तो जीप रोक देता हूँ और नीचे उतर कर देखता हूँ, तो वहाँ पर 2 बंदे जा रहे होते हैं, तो पहले देखता हूँ इन्हें कुछ मतलब मारने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी अच्छा स्प्रे देने के बाद भी मतलब बंदा नहीं हो गया, तो मुझे लगा कि शायद अब उसे नहीं मार पाएंगे, क्योंकि पेड़ के पीछे वो छुप गया था, तो मारना इतना आसान नहीं था।
तो मुझे लगा एक बंदा, पहले मुझे लगा था कि एक ही बंदा है, लेकिन बगल से एक और दौड़ते हुए जा रहा था, तो मैं ये और यहाँ पर दूसरे स्प्रे में बंदा ख़त्म हो गया। तो अब जो पेड़ वाला बंदा है वो काफ़ी मतलब चालाक लिगड़ा, पेड़ के पास जाके कवर ले लिया, तो उसको मारना अब इतना आसान नहीं था। तो अब मैं सोचता हूँ कि अब जीप लूँ, जोन भी आ रहा है, और पीछे से गाड़ी उठाऊँ और चलूँ उसके बाद। तो फिर कुछ नहीं, रास्ता लग रहा है, जोन आ गया होता है तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और सीधे जोन में चलता हूँ। सेफ जोन में आने के बाद मैं सीधा यहाँ पर गाड़ी लगाता हूँ और उतरता हूँ नीचे, और फिर उस बंदे को देखता हूँ जो पेड़ के पीछे कवर लिया था। नहीं दिखता है, इसको पान करता हूँ, बंदा लेटा हुआ दिखा, दो तीन स्प्रे नॉक किल करने की कोशिश की, बट कवर में हो गया फिर से पेड़ के। नहीं दिखा, एक गोली, दो गोली, तीन गोली सिंगल फायर किया, लेकिन नहीं, फिर फुट साउंड मेरे चारों तरफ सुनाई दिए। ये बंदा जो था ये काफ़ी मतलब मशीन गन लेकर वो धड़ा 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 धड़ फायरिंग दे रहा था, कि मतलब पूरी की पूरी 100 गोलियाँ ही वहाँ पर ख़त्म कर दिया। मुझे लगा कि मुझे मार देगा, लेकिन फिर भी मशीन गन था, तो मैंने उसकी गोली ख़त्म होने का वेट किया, और उसके बाद जब सामने आया तो मैंने उसको भी नॉक कर दिया। और उसके बाद वहाँ पर किल करने के बाद सीधा मुझे मतलब एक फ्लेयर गन चला हुआ दिखाई देता है, जो शायद सिलेंडर की तरफ चला होता है। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और सिलेंडर की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही मैं अपनी जीप लेकर यहाँ पर आता हूँ फ्लेयर गन के पास, तो जैसे ही मैं जहाँ ही मतलब अपनी जीप रोकता हूँ, ठीक वहीं पर एक बंदा खड़ा रहता है, और मुझे नहीं मालूम था गज मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर कोई बंदा खड़ा होगा। और मैं जैसे ही जीप रोकता हूँ मुझे एक बंदा दिख जाता है, लेकिन फिर भी मैं जीप का कवर ले लेता हूँ और नॉक किया, सामने गया, फिनिश किया, लेट गया। फिर इधर उधर देखता हूँ शायद कोई दिख जाए, लेकिन कोई नहीं दिखता है। तब तो सामने से इसका टीममेट दौड़ता हुआ, कुत्ता स्प्रे दिया नॉक, खत्म करने के बाद मेरी बैटरी भी लो हो गई थी काफ़ी, मतलब फ़ोन लैग कर रहा था, गेम भी लैग कर रही थी, दोनों बैटरी चार्ज नहीं था। फ्लेयर गन लूटने की मेरी चाहत नहीं थी, तो सोचा कि क्या फ्लेयर ये लूटूँ, ड्रॉप किया लूटूँ, चलूँ लिकड़े पहले एनिमी देख लूँ। तो फिर से मेरे टोटल यहाँ पर 12 किल हो गए थे। मुझे अभी मतलब ठीक नहीं लग रहा था, चिकन डिनर चाहिए थे मैच में। तो मैं यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ, कुछ मतलब बंदे दिखते हैं उधर पहाड़ी की तरफ, सीधे गाड़ी उठाता हूँ। पहले प्लान बनाता हूँ कि घर के पास ले जाकर रोक दूंगा, और बंदे ऊपर हैं तो ऊपर के बाद, लेकिन फिर लगता है कि पीछे भी बंदे हैं, फिर भी ले जाता हूँ और घर के पास रोक देता हूँ। यहाँ पर गाड़ी रोकने के बाद सीधा उतरता हूँ और रूम की तरफ भागता हूँ, लेकिन फिर फुट साउंड सुनाई देते हैं मुझे। शायद किसी ने किसी को मतलब दूसरे बंदे ने किसी को मार दिया, या तो टीमें थी, पता हूँ शायद मेरे पास आया इधर उधर, तो मार दूँ, क्योंकि आगे जाने का कोई मतलब एंगल नहीं दिख रहा था, पूरा ओपन था, अगर आगे जाता तो मैं मारा जाता। तो मैं कुछ सोचता हूँ और पीछे की तरफ सोचता हूँ कि गाड़ी लेकर और जिधर पहाड़ी की तरफ चला जाऊँ। गाड़ी उठाता हूँ और गाड़ी सीधा घुमाता हूँ, सामने की तरफ देखता हूँ, उधर भी दो बंदे खड़े हैं। गाड़ी पूरी एंगल से लेकर मतलब घुमाता हूँ 90 डिग्री पर, और सीधा जहाँ पर मैं था उसके ठीक सीध में पहाड़ी के पास चला जाता हूँ। यहाँ बहुत आने के बाद काफ़ी मुझे सेफ लग रहा था, काफ़ी कवर था, अच्छा था, पीछे भी मतलब जोन सर्कल था,
कोई बंदा नहीं दिख रहा था पीछे। टोटल 8 बंदे, तो 7 बंदे बचे थे एक और मैं, 8 बंदे। यहाँ पर मुझको 2 बंदे दिखाई दे, थोड़ा लेट कर इधर उधर वेट करता हूँ, सोचता हूँ कोई बंदा आए, एक फायर देता है, लेकिन शायद दिखता नहीं है मुझे छत पर कुछ, मतलब दिखते हैं 2 बंदे इधर उधर घूमते हुए। सोचता हूँ फायर दूँ, लेकिन फिर कुछ सोच के रह जाता हूँ कि उन लोगों को पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई एंगल नहीं दिखता, वो लोग काफ़ी कवर में थे। तभी एक बंदा राइट से निकला, मैंने सोचा शायद इधर तक आएगा, वेट करता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं सोचता हूँ, जैसे वो दीवार पार किया गाइज, मैंने यहाँ पर एक भी मौका नहीं छोड़ा और उसे क्लिक कर दिया सीधा, नॉक भी नहीं किया। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा बच गया था, तो काफ़ी कवर में था, रूम में था, दिख नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 2 बंदे उधर ड्रॉप की तरफ दिख रहे थे जो काफ़ी दूर थे, अगर मैं उनको स्प्रे देता तो वो भी सामने पास आ जाते, दोनों एक साथ आते तो शायद ही मतलब उन लोगों से फाइट लेना आसान होता। अभी टोटल 5 बंदे बचे थे, मुझे समझ में नहीं रहा था किधर किधर बंदे हैं, क्योंकि सिर्फ मुझे 3 ही लोग दिख रहे थे, एक बंदा इधर रूम में था और 2 बंदे सामने की तरफ, और बाकी बंदे नहीं दिख रहे थे। बंदा मुझे छत पर दिखा, मैं सोचा मोलोटो करूं, मोलोटो मैंने ठीक ही किया था, बट बंदा चलाक था, संभल गया, कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद कोई नहीं दिखता है, फिर एक बंदा किल हो जाता है और टोटल 5 बंदे बच जाते हैं, मतलब मुझे लेकर टोटल 4 बंदे बचे थे। सोचा था कि चिकन ही रन करूँगा किसी तरह, इसलिए इधर उधर नहीं जाता हूँ, यहीं पर थोड़ा लेट जाता हूँ। सर्कल भी छोटा गया होता है, शायद इधर उधर से बंदे आ जाएं, लेटा रहता हूँ तब तक फुल साउंड, मतलब गन शॉट आता का साउंड आता है, नॉक किया, किल भी कर दिया। किल करने के बाद शायद इसके और टीममेट आए, क्योंकि नॉक हुआ था तो इसके और टीममेट होंगे। फिर इधर उधर देखता हूँ, थोड़ा सब्र करता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ किसी के आने का। अभी भी 3 बंदे बचे थे, थोड़ा लूटपाट करता हूँ। एक बार फिर से सर्कल छोटा हो गया था और फिर से मैं वेट कर रहा था कि कोई बंदा शायद पास में आए तो किल करूं, क्योंकि इसके आगे जाने लायक नहीं था, कोई एंगल ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि आगे पूरा ओपन था, अगर आगे जाता तब तक। और फिर से एक बंदा किल और लास्ट बंदा बस बचता था भाई, लास्ट बंदा बस एक ही था, समझ में नहीं आ रहा था किधर है बंदा, किधर है बंदा, किधर है पता नहीं भाई, किधर था बंदा समझ ही नहीं रहा था। और ऐसी जगह पर था कि अगर मैं आगे जाता तो भी मारा जाता और अगर खड़ा होता तो भी मारा जाता, क्योंकि वहाँ से पूरा एंगल ओपन था, मतलब आगे की तरफ पूरा ही ओपन था। तब तक फुट साफ सुनाई दिया, वेट करता हूँ भाई, काफ़ी बंदा चला बिगड़ा, वो भी लेट गया कि फुट साफ ना आए, वेट करता हूँ किधर से आएगा, कुछ समय में नहीं आ रहा था, काफ़ी डर थी दिमाग में। नेट किया, मुझे लगा पेड़ के पास होगा, लेकिन वहाँ पर नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था किधर से आएगा, चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा था, कई एकदम डर सा बना था कि चिकन डिनर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन ऐसी थी ना, दोनों लोग लेटे थे तो कैसे समझ में आता कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। भाई आगे बग, ओ भाई साहब चिकन डिनर, भाई किस्मत अच्छी थी जो चिकन डिनर हो गया, नहीं तो बहुत कम चांस था चिकन डिनर होने का, क्योंकि यहाँ पर किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता कौन चिकन डिनर होगा। वो भी लेटा था, मैं भी लेटा था, बीच में बस घास थी, वो तो अच्छा हुआ कि वो सामने आ गया, मैं नहीं गया। तो थैंक्स भाई वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दो चैनल और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, शेयर कर देना भी भाई, सपोर्ट करना, आई लव यू गाइज़।